नमस्ते, मेरा नाम जयमीन देसाई है। मैं ज़ीरो वेयर का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। ज़ीरो वेयर सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल को रीयूजेबल से रिप्लेस कर रहा है फूड सर्विस सेक्टर में। सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल्स आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल मतलब सिर्फ प्लास्टिक नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक बार यूज़ करके फेंक देने में आती है, उसकी हम बात कर रहे हैं, और ख़ास करके फूड सर्विस सेक्टर में। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके zeroware.in पे जाके आप देख सकते हैं। बेसिकली सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल्स फूड सर्विस सेक्टर में हेल्थ इश्यूज़, एनवायरमेंटल इश्यूज़ और इकोसिस्टम इम्बैलेंस के इश्यूज़ को क्रिएट करती है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? सॉल्यूशन इज़ सिंपल। आप हमारे पास से फूड डिलीवरी के लिए कंटेनर्स ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपको आपके किचन पे, रेस्टोरेंट पे वो डिलीवर करते हैं। आप उसमें अपना खाना पैक कीजिए और आप अपने कस्टमर्स को उसमें डिलीवर कीजिए, और हमारे साथ आपके कस्टमर के डिटेल्स शेयर कर दीजिए। हम आपके कस्टमर्स के वहाँ से वो कंटेनर्स कलेक्ट करते हैं। हमारे पास इंडस्ट्रियल डिश वॉशर है यहाँ पे, उसमें हम वॉश एंड सैनिटाइज करते हैं और उसे हमें रीयूज़ करते हैं। सिमिलरली आपके घर में, सोसाइटी में या कहीं भी छोटी या बड़ी सोशल गैदरिंग की इवेंट है तो वहाँ पे सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल्स यूज़ ना कीजिए। हमारे पास अलग अलग टाइप के क्रॉकरी सेट्स है, आप जस्ट उसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके ऑर्डर कीजिए, या हमारे वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ ही समय में हमारा ऐप भी आ जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जैसा डिशवेयर, जो भी क्रॉकरी आपको जहाँ चाहिए वहाँ हम डिलीवर करते हैं। आपको पहले या बाद में वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। फूड डिलीवरी कंटेनर्स भी आपको पहले या बाद में वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसे यूज़ कीजिए और हम आके वहाँ से कलेक्ट करते हैं। अगेन इंडस्ट्रियल डिश वॉशर में उसे वॉश एंड सैनिटाइज करते हैं 60-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और उसे हम रीयूज़ करते हैं। सो सिंपल सॉल्यूशन है, और इससे हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने तकरीबन 200,000 सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल्स अवॉइड किए हैं, एंड दैट इज़ रफली इक्विवेलेंट टू अराउंड 2,000 kg ऑफ सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल वेस्ट, एंड दैट इज़ रफली इक्विवेलेंट टू 1 crore लीटर ऑफ वाटर, एंड ऑलमोस्ट चॉपिंग डाउन ऑफ 26 एडल्ट ट्रीज। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट वी हैव क्रिएटेड सो फार। अभी हमें ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं इन ऑपरेशंस, एंड हम ऑल ओवर पुणे में हमारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। ओके, सो अभी हम हमारे वेयरहाउस में हैं जो वड़गांव शेरी पुणे में स्थित है, और यहाँ पे आप अभी देख सकते हो कि जैसे ये एक ऑर्डर रेडी हो रहा है। ये अराउंड 750 स्टील के प्लेट्स और चम्मच का ऑर्डर है। आज और कल ये जो राम मंदिर का भव्य महोत्सव हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, वैसे ही हमारे तकरीबन 8 ऑर्डर्स ऑल ओवर पुणे में जा रहे हैं, और कुल मिला के हम 5,000 सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल्स आज और कल के दिन में पूरा मिला के हम अवॉइड करने वाले हैं। और वो टूगेदर दैट विल बी अराउंड 50 kg ऑफ टॉक्सिक वेस्ट वी आर गोइंग टू अवॉइड। हम उतना टॉक्सिक वेस्ट होने से बचा लेंगे, और वो रफली इक्विवेलेंट होता है 30,000 लीटर पानी और एक एडल्ट ट्री के कटने के बराबर। तो इतनी चीज़ें हम कल बचा लेंगे, कल और आज के ऑर्डर में। तो ये जो ऑर्डर है वो पूरा स्टील में जा रहा है। हमने शुरुआत स्टील के बर्तनों से की थी, और अभी भी हम स्टील ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो खाने के साथ, खास करके गर्म खाने के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो आपका खाने में टॉक्सिन्स या केमिकल्स कुछ मिक्स नहीं होता है। सो स्टील इज़ द बेस्ट मटेरियल टू ईट द फूड फ्रॉम। हालाँकि हमारे पास अलग अलग टाइप के क्रॉकरी सेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेलामाइन मटीरियल है। तो हमारे पास मेलामाइन के ऐसे प्लेट्स है, क्वार्टर प्लेट्स है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बोल्स भी है। तो एक मेलामाइन का सेट है, ये है रीयूजेबल बैम्बूवेयर, बायोडिग्रेडेबल 100%। सो काफ़ी लाइट वेट है और 100% बायोडिग्रेडेबल बैम्बूवेयर से बना है, रीयूजेबल है। तो अगेन ये हमारे पास ऐसे प्लेट्स है, बोल्स है, तो अलग अलग ओकेजन्स के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड मॉडल हमारा सेम है, आप क्रॉकरी सेट ऑर्डर कीजिए व्हाट्सएप कॉल या वेबसाइट से, हम आपके घर तक या जो भी आपका इंडोर या आउटडोर इवेंट का लोकेशन है वहाँ पे हम डिलीवर करते हैं। आपको पहले या बाद में वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे यूज़ कीजिए एंड देन हम आके पिकअप कर लेते हैं। और अभी हम जाके हमारे वॉशिंग एरिया में देखेंगे। हमारे पास इंडस्ट्रियल डिश वॉशर है जिसमें हम इसे 60-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वॉश एंड सैनिटाइज करते हैं और फिर उसे रीयूज़ करते हैं।
सो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें वॉशिंग शुरू हो गया, ये इंडस्ट्रियल डिश वॉशर है। इसमें आपका 60-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वॉश एंड सैनिटाइज होता है एंड देन हम उसे रीयूज़ करते हैं। तो अभी जस्ट कुछ मिनट्स में ये वॉशिंग कंप्लीट हो जाएगा एंड देन यू कैन सी कि वो किस तरह से 60-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हाइजीनिक होके बाहर आता है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो ये अभी पूरा स्टीम बाहर निकल रहा है बिकॉज ये 60-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वॉश एंड सैनिटाइज हो गया है। तो अभी हम लोग ये जो ऑर्डर रेडी हो चुका है, जो अभी ये राम मंदिर निर्माण का जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसके लिए अभी जा रहा है खराड़ी में टस्कन एस्टेट करके एक सोसाइटी है, वहाँ पे अराउंड 750 स्टील के प्लेट्स है, 750 चम्मच है और वो अभी हम जाएंगे और ये टेम्पो में लोड करेंगे और फिर हम टस्कन एस्टेट में वो डिलीवर करेंगे। वहाँ पे हमारा कलेक्शन काउंटर भी रहेगा जहाँ पे लोग आके प्लेट्स वगैरह देंगे और फिर हम उसमें से खाना छांट के प्लेट्स को स्टैक करके चम्मच को अलग से सॉर्ट आउट करके वापस टेम्पो में लोड करके वेयर हाउस पे लाएंगे और फिर इंडस्ट्रियल डिश वॉशर में 60-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वॉश एंड सैनिटाइज होकर रीयूज होगा। लोडिंग विल स्टार्ट जस्ट नाउ। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैटरर है वो यहाँ पर अपना खाना बाकी का सामान सब लेके आए और प्लेट्स वगैरह जो है वो जीरो वेयर से आए हुए हैं। वो पहले डिस्पोजेबल यूज़ करने वाले थे लेकिन इस बार वो स्टेनलेस स्टील के हमारे रीयूजेबल डिशवेयर क्रॉकरी यूज़ करने वाले हैं और जैसे जैसे वो यूज़ करते जाएंगे तो यूज़ प्लेट्स वगैरह यहाँ पर जो हमारा टेबल है कलेक्शन काउंटर है जीरो वेयर का वहाँ पे प्लेट्स चम्मच जो यूज़ है वो रखते जाएंगे और हमारे बंदे जो है उसमें से खाना छांट के चम्मच और प्लेट वो सॉर्ट आउट कर देंगे और वो फिर हम लोड करेंगे टेम्पो में और हमारे वेयर हाउस पर ले जाके इंडस्ट्रियल डिश वॉशर में 60-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वॉश एंड सैनिटाइज करेंगे और उसे रीयूज़ करेंगे। तो ये हमारा कलेक्शन काउंटर है और अभी फिलहाल यहाँ पर हमारे बंदे लेकिन यहाँ पे आपके खुद के वॉलेंटियर सेवक या फिर हाउस कीपिंग के स्टाफ वो भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आके लोग अपने यूज प्लेट सबमिट कर देते हैं और उसमें से हमारे बंदे खाना छांट लेते हैं और फिर प्लेट्स को और चम्मच को सॉर्ट आउट करके स्टैक करते हैं और फिर ये यूज प्लेट्स और चम्मच हम अभी लोड करेंगे टेम्पो में वेयर हाउस में ले जाके 60-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वॉश एंड सैनिटाइज करेंगे इंडस्ट्रियल डिश वॉशर में। जीरो वेयर की वजह से हमको बहुत बहुत फायदा हुआ, हमको डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज नहीं करनी पड़ी,
प्लास्टिक का कचरा कम हुआ हमारा, प्लास्टिक के स्पून यूज़ नहीं करने पड़े और बहुत काफ़ी हम लोगों को क्लीनलीनेस मिला यहाँ पे। काफ़ी यहाँ पे जैसे बिखरा रहता था खाना हम लोगों का, प्लेटों का, जूठी बर्तन, जूठी प्लेटों का, जैसा डिस्पोजेबल प्लेट्स का, वो कुछ नहीं अपने को मिला। बहुत बढ़िया था जीरो वेयर का सर्विस, अपने को टाइमली प्लेट्स मिल रहा था हमारे, बहुत काफ़ी लोग आए थे इधर 1000 के करीब, काफ़ी अच्छा हमारा को सर्विस मिला। थैंक यू। हम लोग तस्कन एस्टेट खराड़ी से हैं। वी हैव डन द थ्री इवेंट्स ओवर हियर विद द जीरो वेयर, दो गुरु पर्व और एक अभी राम टेंपल का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका खाने का हम लोगों ने आज अरेंज किया था ऑन 21st of January। और तीनों टाइम पे हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है जीरो वेयर से, और एकदम हाइजीनिक प्लेट्स आती है और सब कुछ, और हमारा जो डिस्पोजेबल है वो बहुत सारा बचा है जिससे एनवायरमेंट को फ़ायदा हो रहा है। सो दिस इज़ रियली अ गुड इनिशिएटिव विच इज़ बीन टेकन बाय द जीरो वेयर एंड अ टीम एंड इट इज़ रियली गुड। थैंक यू। हमारा बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जीरो वेयर के साथ। दे हैव मेड फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस वेरी इको फ्रेंडली, वेरी मच प्रोफेशनल इन देयर एटीट्यूड। वी हैव बीन वर्किंग विद देम फॉर क्वाइट सम फंक्शंस नाउ एंड दे आर अ ग्रेट पार्टनर्स टू वर्क विद। वी हाईली रिकमेंड देम। थैंक यू। अभी अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे भारतवर्ष में त्यौहार जैसा, उत्सव जैसा माहौल है, और उसके चलते हुए हमें ऑल ओवर पुणे से ऑलमोस्ट 10 सोसाइटी से बड़े बड़े ऑर्डर्स आए, और उसमें हम कलेक्टिवली अराउंड 5000 सिंगल यूज डिस्पोजेबल्स अवॉइड करेंगे। इसका मतलब है हम 50 kg ऑफ टॉक्सिक वेस्ट लैंडफिल में जाने से रोक लेंगे, एंड दैट इज़ रफली इक्विवेलेंट टू 30,000 लीटर्स ऑफ वाटर एंड चॉपिंग डाउन ऑफ वन एडल्ट ट्री, एक पूरे पेड़ को कटने से बचाया, और 30,000 लीटर पानी को बचाया है, और इसको लेके हम बहुत ही खुश हैं। एंड हम ऐसा फील कर रहे हैं जैसे स्वच्छ परिसर रख के हम स्वच्छ मन से श्री राम का फिर से भारतवर्ष में स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू। तो कल हम टस्कन सोसाइटी में गए थे जहाँ पे अराउंड 700 to 800 लोगों का हमने डिनर जो था वो सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल में ना करते हुए रीयूजेबल्स में किया, जीरो वेयर की रीयूजेबल क्रॉकरी में। और आज हम ऑल ओवर पुणे 4 और सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे जा रहे हैं, एंड टुगेदर कल का और आज का मिला के हम टोटल 5000 सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल्स अवॉइड करेंगे, एंड दैट विल बी रफली इक्विवेलेंट टू 50 kg ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, 30,000 लीटर्स ऑफ वाटर सेविंग, एंड सेविंग एडल्ट ट्री फ्रॉम चॉपिंग डाउन। So that is the impact we are going to make today. Thank you. जय श्री राम। तो हम आज बड़ा कार्यक्रम है, 13 आवर्तन होने वाले हैं, पूरा पूजा पाठ होने वाला है, और प्रसाद जो इस बार हम बढ़ रहा है, तो हमने इस बार डिस्पोजेबल नहीं लेना ऐसे निर्णय लिया है पूरे सोसाइटी ने, डिस्पोजेबल बैन किया है हमने। जीरो वेयर का हमने कटलरी, रेंटेड कटलरी मंगवाया है। आई हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगा, बहुत सैनिटाइज था, साफ था, और उनकी जो सर्विस है कि इट्स अफोर्डेबल, इट हेल्प्स टू रिड्यूस दैट डिस्पोजेबल एंड कट ऑफ द डिस्पोजेबल, एंड दैट इज अवर मेन कंसर्न, एंड वी आर रियली हैप्पी दैट जीरो वेयर इज गिविंग सच, प्रोवाइडिंग सच गुड सर्विस टू अस, दैट this type of, because you don't have to clean anything and you get sterilized plates and dishwares. जय श्री राम।
जय श्री राम। साई ईशान्य बालेवाडी मध्ये आज आम्ही एनवायरमेंट सेव्ह करण्याकरता पेपर प्लेट वापरल्या नाही आणि आज आम्ही या स्टीलच्या डिशचा यूज केला, त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी 400 प्लेट आमच्या वाचल्यात आणि याच्यातनं एक तरी कमीत कमी एक झाड वाचलं असेल। या प्लेटचा सगळ्यांनी यूज करायला पाहिजे आणि हा खूप स्वच्छ प्लेट होता, याच्यामुळे आम्हाला एकदम इझी झालं, लोकांना त्रास नाही झाला, सगळे लोक एकदम व्यवस्थित जेवले। हे असं सगळ्यांनी यूज करावं ही मी सगळ्यांना कळकळीची विनंती करतो। यामुळे बऱ्यापैकी पर्यावरण आपण बघतच असो की हिवाळ्यामध्ये पण पाऊस पडतो, उन्हाळ्यात पाऊस पडतो, याच गोष्टी सगळ्यांनी जर केल्या तर खूप खूप गोष्टी चांगल्या होतील। जय श्रीराम। Hello everyone, this concept of zero wear is a very very good concept. We are saving the environment by not using plastics or any disposable. The best part of this plates is that they give you very very clean, you don't have to wash it, use it, and you don't have to spoil your clothes, because whenever you take in disposable plates it is always a chance of spilling. So we are using this service for last so many months and we are very very satisfied by this, and we encourage this concept for future also. Thank you so much. We have been using zero wear plates for many occasions. It is a good way and eco-friendly way to use these plates. It causes no waste and it can be easily reused again and again. It is cost friendly, eco-friendly, and like it saves environment. So I advise everybody to use these plates, and it's a good method to save the environment. Thank you.